वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह मैं आप सबको ये एक मैसेज पढ़ाना चाहता हूँ ये आप देखें ये भाई साहब जसविंदर सिंह है इंडिया से और ये कौन है इनके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं लिखा हुआ है रिटायर्ड लेक्चरर अर्थशास्त्र ठीक है बी एस सी बी एड एम ए पंजाबी इकनॉमिक इंग्लिश जर्नलिज्म साइकोलॉजी इन्होंने की हुई है अपेयरिंग इन एम ए फिलोसफी पार्ट टू में भी अपेयर हो चुके हैं और इसके साथ ही साथ इन्होंने सिखज़म के जो एस जी एस की तरफ से कोर्स कराया सार की तरफ से जो कोर्स कराया जाता है और सिख मिशनरी कॉलेज की तरफ से लुधियाना की तरफ से जो कोर्स करवाया जाता है दोनों कोर्सेज़ को ये कम्प्लीट कर चुके हैं जो कि दो दो साल के कोर्सेज़ होते हैं ठीक है और उन्नीस सौ नब्बे से अमृतधारी भी हैं साथ ही साथ ये दो बुक्स भी अपनी पब्लिश कर चुके हैं जिनका नाम भी इन्होंने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है अब ये इनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ ये मैसेज पढ़ें आप मैं पढ़ लेता हूँ सबसे पहले फ़तेह ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਚਾਰੰਦਾ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹਵੰਦ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਦਾਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ ਤਦ ਹੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਣ ਆਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਰਸ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਏ ਮੁਕਤਾ ਔਂਕੜ ਸਿਆਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬੁਲੇਖਾ ਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਵਾਕ ਅਤੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਉਚਾਰਣ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਲਗੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸੀ ਗਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਿਖਿਆਰਤੀ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਪੱਧਰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉਦਮ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਮਾਨਣ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤਾਂਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਛਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ आगे इन्होंने अपनी तरफ से जो है मुझे ब्लेसिंग दी हैं अच्छा अच्छा अब ये बात आ जाती है कि ये सब बताने का मकसद क्या था तो देखिए पाकिस्तान में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं बहुत सारी संगतें हैं जो ये समझते हैं कि हमें गुरबाणी व्याकरण सीखने की जरूरत नहीं है हम गुरबाणी ग्रामर क्यों सीखें हमें अर्थ आते हैं लोगों का कहना यह है लोगों की सोच यह है कि उन्हें अर्थ आते हैं उन्हें गुरबाणी ग्रामर की जरूरत ही नहीं है तो आप इस मिसाल को अपने सामने रख सकते हैं देख सकते हैं और खुद सोच सकते हैं एक शख्स इंडिया के रहने वाले जो अभी हाल फिलहाल भाई जसविंदर सिंह जो है वो कनाडा में भी रह रहे हैं तो जो बकायदा इंडिया में रह के सिख मिशनरी कॉलेज की तरफ से एस की तरफ से ए की तरफ से दो दो साल के कोर्सेज कर चुके हैं मतलब तकरीबन चार छ साल की एजुकेशन ले चुके हैं गुरबाणी इतिहास में गुरबाणी के बारे में सीख चुके हैं ऑलरेडी छह साल और ये हाई लेवल की पढ़ाई होती है वहां पर और इसके अलावा दो किताबें छाप चुके हैं दो किताबों के पब्लिशर हैं लेक्चरर हैं और भी बहुत कुछ आपने पढ़ा भी वो शख्स गुरबाणी व्याकरण सीख के गुरबाणी व्याकरण का क्या रिस्पांस दे रहे थे क्या फीडबैक दे रहे थे वो आपने अभी पढ़ा तो वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि हमें इस चीज की ज़रूरत नहीं है तो वो किस किस लिहाज से ये सोच रहे हैं कैसे ये सोच पा रहे हैं ये बात बड़ी मुश्किल है अगर ये वीडियो देखकर किसी के मन में एहसास पैदा हो गया है और वो इस चीज़ को समझ रहा है कि हाँ ये चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है गुरमत में गुरसिखी में गुरबाणी जो भी पढ़ता है जो भी गुरबाणी रोज पढ़ता है उसके लिए बेहद लाजमी है गुरबाणी ग्रामर सीखना और इस वीडियो से अगर आप तक ये मैसेज पहुंच रहा है और आपके मन में ये आपके जहन में ये एहसास पैदा हो रहा है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं जैसे बाकी सब कर रहे हैं आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके मैं यहीं पर नंबर दे देता हूं इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर रबता करके आप कोर्स कर सकते हैं और कुछ नहीं बेशक पूरा कोर्स नहीं मैं आपको ये लाजमी कहूंगा कि वाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके कम से कम कम से कम भी इस कोर्स का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर आप अटेंड कर लें जो कि 15 से 20 मिनट का है उस लेक्चर को अटेंड करते ही आपको समझ आ जाएगा कि इस कोर्स की जरूरत आपको है या नहीं है कोई भी गलती हुई हो यो मैं माफी चाहता हूं वाहू जी का खालसा वाहू जी की फतेह